माय चैनल, आज मैंने बनाए हैं हाई प्रोटीन गिल्ट फ्री स्नैक्स। ये टेस्टी होने के साथ साथ सुपर हेल्दी है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो इसके लिए मैंने दो बॉइल्ड पोटैटोज लिए हैं, इनको पहले मैं छील के अच्छे से मैश कर लेती हूँ। तो मैंने सब आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। तो अब हम इसमें मिला देंगे 3 चम्मच सत्तू। अब हम इसमें डाल देंगे चॉप्ड अनियन, चॉप्ड ग्रीन चिली, ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको। थोड़ा पानी की हेल्प ले लेंगे इसको बाइंड करने के लिए, क्योंकि सत्तू पाउडर बहुत ही ड्राई होता है। तो इसको बाइंड करना है आलू के साथ और सब मसालों के साथ, तो बिल्कुल हल्का सा पानी डालेंगे ताकि ये एक डो की फॉर्म में आ जाए। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप वो भी डाल दीजिएगा। अब हम इसको अपनी मनपसंद शेप में बना लेंगे। तो मैं सिलेंड्रिकल कबाब की शेप में बना रही हूँ, आप चाहें तो कटलेट की शेप में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे सिलेंड्रिकल शेप कबाब को तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, इसको मैंने एक कबाब की शेप दे दी है, आप चाहें तो कटलेट की तरह भी बना सकते हैं। अब हम इनको शैलो फ्राई कर लेते हैं। तो हम एक तवा ले लेंगे, उस पे आप अपनी चॉइस का कोई भी ऑयल डाल लीजिए और हमारे कबाब को इस तरह से शैलो फ्राई करने के लिए। तो एक साइड से पका लेते हैं और फिर हम इनको टर्न करेंगे। तो हमारे कबाब एक साइड से पक गए हैं, इसी तरह हम इनको दूसरी साइड से भी पका लेते हैं। तो हमारे प्योर वेजिटेरियन हाई प्रोटीन कबाब एकदम रेडी हैं सर्व करने के लिए। थैंक यू।